हेलो फ्रेंड्स, मैं आज के आपके लिए लेके आई हूँ 32 प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो। तो अगर आपको मेरे जैसी परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से अपने पेपर को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये 10.5 इंच जितना चौड़ा होना चाहिए। फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से एक लाइन बना लेंगे 1 से 1.5 इंच ऊपर। फिर हम यहाँ से 15 इंच पर मार्किंग करेंगे लंबाई की सिलाई के साथ। फिर हम यहाँ से 7 इंच पर मार्क करेंगे। 7 इंच में मार्क करने के बाद यहाँ से हम एक लंबी लाइन बना देंगे। फिर इस लाइन पे हम 10 इंच में मार्क करेंगे। 8 इंच और 10 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे भी 10 इंच में मार्क करेंगे। फिर हम ये दोनों लाइन मिला देंगे। फिर हम यहाँ से शोल्डर की मार्क करेंगे 7 इंच पर। यहाँ से भी हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और फिर लाइन मिला देंगे। अब हम सेंटर से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से नेक ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसका आधे पे निशान लगाएंगे। फिर इसके सामने से हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। 5.5 और 1/2 इंच सिलाई कर लेंगे। आप यहाँ से सीधी लाइन बना के इस लाइन से यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कीजिए फ्रंट आर्मोल के लिए। 5.5 और 1/2 इंच सिलाई पे 6 इंच पे मार्क करना है। फिर यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर गिराएंगे। फिर हम आगे का आर्मोल बनाएंगे। तो ये हमारे आगे का आर्मोल हो गया। पीछे का आर्मोल हम इस पॉइंट से बनाएंगे। ये हमारे पीछे का आर्मोल हो गया। अब ये वाली लाइन को हम 1/2 इंच एक्सटेंड करेंगे। फ्रंट के लिए फिर हम अब डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। तो हमें शोल्डर से यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करना है। फिर इस 10 इंच के सामने से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। फिर हम यहाँ से अपनी कमर की लंबाई यानी कि आपके 32 चेस्ट के लिए बना रहे हैं इसलिए हम 13 इंच पे मार्क करेंगे। 13 इंच पे मार्क करके यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है। फिर यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से भी 3.5 इंच पे मार्क करना है और फिर यहाँ से ये लाइन को इस तरह मिला देना है। फिर हम यहाँ से 5 इंच अंदर जाएंगे फ्रंट आर्मोल पर और मार्किंग करेंगे। फिर हम यहाँ से लाइट लाइन खींचेंगे बेस लाइन। उसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच बढ़ाएंगे 5 इंच तक। फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई तक मिला देंगे। तो ये हमारी बैक के लिए है बैक का। और ये हमारा लाइन है जो फ्रंट का है। ये बैक का है, ये फ्रंट का है। अब हम प्रिंसेस का ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों साइड पौना पौना इंच 0.75 इंच लेके यहाँ पे इस तरह मार्क करना है। फिर स्ट्रेट लाइन मिला देंगे नीचे तक। फिर हम इस तरह से कर्व शेप बनाते हुए इधर आ जाएंगे और इस तरह से इसमें मिला देंगे। फिर हम 1/2 इंच 1/2 इंच दोनों तरफ निशान लगाएंगे और फिर कुछ इस तरह का शेप बनाएंगे। अब हमें ये वाला पार्ट कटिंग के टाइम उड़ा देना है। अब हम बाहर के मार्क से कटिंग कर लेते हैं।
अब हमें ये वाली लाइन और ये अंदर वाली लाइन दोनों में इस तरह से मोड़ना है। फिर मोड़ने के बाद हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, बीच में से अलग कर लेंगे। बीच में से अलग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें ये सादा वाला पार्ट लेना है और इसमें जो हमने फोल्ड का निशान लगाया था यहाँ से कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमारा पीछे का भाग हो गया। अब हम फ्रंट का पार्ट लेके यहाँ से कटिंग कर लेंगे। फिर फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमें आधा इंच कपड़े पे एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से कपड़े पर कटिंग करते टाइम यहाँ पे हमें इस लाइन पे आधा आधा इंच सिलाई का बढ़ा लेना है। यहाँ से कुछ इस तरह से दोनों साइड, इस तरह से आप दोनों साइड मार्क कर लीजिए ताकि आपको याद रहे आधा इंच बढ़ाना है यहाँ से और यहाँ से। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। अब हम बैक में नेक की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट हमारा रेडी हो गया है, बस हमें आधा आधा इंच बढ़ाना, भूलना नहीं है कपड़े को। अब हम पीछे वाले भाग पे आ जाते हैं। सेंटर से हमें फ्रंट के आर्म होल फ्रंट वाला रख के हमें शोल्डर का निशान लगा लेना है इस तरह से। फिर हम 3 इंच नीचे गिराएंगे। फिर हम यहाँ से नेक डेप्थ ड्रॉ कर लेंगे गले की। यहाँ पे आपको जो भी गला बनाना है वो आप गला बना के कटिंग कर सकते हैं इस तरह। फिर यहाँ पे आप 4.5 इंच पे आपको टक्स लगाना है इस तरह से। तो हमारा और फिर सिलाई करते टाइम आपको यहाँ पे कपड़े पर कटिंग करते टाइम आपको यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। अगर आप पीछे हुक लगाएंगे तो ये पीछे हुक वाला ही ब्लाउज़ है, तो यहाँ पे आप आधा आधा इंच रखना भूलिएगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले कटिंग वीडियो में। बाय बाय तब तक के लिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको और भी कटिंग के वीडियो देखने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।